हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय एडी क्रिएशन। आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने गले की चौड़ाई ली है अपने 3 इंच और इसकी हम लेंथ को माप लेंगे। आप अपने हिसाब से ले, मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख रही हूँ और उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा का निशान लगाना है, यहाँ पे मार्क लगाना है। देखिए मैं यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इस थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए और यहाँ पर ऐसी शेप दे देंगे, देखिए, और यहाँ तक हमारा नेक आ जाएगा और इसे हम बिल्कुल अच्छे से शेप दे देंगे। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो आप ऊपर से इसकी लेंथ कम कर सकते हैं। अब मैं देखिए एक्स्ट्रा को निशान लगाते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। देखिए पहले हम बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे और ये हमने कट कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ से कट करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह कुछ इस तरह से कटिंग की है। ये अंदर ले, ये दूसरा पार्ट है और ये हमारा नेक कैसे कट गया है। और जो ये पार्ट है उसको हम पेस्टिंग में लेंगे। वैसे ये मैंने नॉर्मल बुकरम ली है। यहाँ पर हम इस पार्ट के लिए, यहाँ पर देखिए मैंने इस पार्ट को ऐसे कट कर लिया है, तो हिस्सों में आप रख के सीधा भी रख सकते हैं। इसके लिए मैं पेस्टिंग लूँगी क्योंकि मैंने पूरी बुकरम सिंपल ली है। आप पेस्टिंग भी, पूरी बुकरम पेस्टिंग की भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इस पार्ट को एक पेस्टिंग वाले बुकरम के साथ इसी माप से कट कर लिया है और अब हम इसको देखेंगे। ये बिल्कुल सेम साइज़ का है और इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। देखिए अब हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। देखिए मैंने कपड़े पर आन से पेस्ट कर लिया। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। ये 5.5 इंच पर आएगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टिच दूंगी और इसको सबको स्टिच कर लूँगी। देखिए स्टिच करके मैंने रेडी कर लिया है। अब इन पार्ट को हम कट करेंगे। अब इन्हें हम दूसरे कपड़े पर रख कर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगाती, सिर्फ हमें ऊपर की तरफ ही सिलाई लगानी है, नीचे बाकी हमें ऐसे ही छोड़ना है। और हम एक्स्ट्रा सारा काट देंगे। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे ऊपर की तरफ और बाकी हम इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमारे जहाँ जहाँ पेस्टिंग है हम सिर्फ उसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर, और इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे जो डिज़ाइन के लिए बुकरम है वो तैयार रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम अपने गले पर काम करेंगे। ये देखिए मैंने सारा एक्स्ट्रा कट कर लिया है। देखिए इसी तरह हमें वो दूसरा भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों रेडी हो चुके। अभी मैं इस तरफ रखेंगे। अब नेक को हम भी सेंटर से शर्ट पर अटैच करेंगे। हम पहले सबसे बीच वाली सिलाई लगाएंगे। बीच वाली सिलाई लगाने से फ्रेंड्स हमें बिल्कुल ही आसानी रहती है हमारे नेक डिज़ाइन बनाने में, क्योंकि गला 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल सेंटर में ही रहता है। और देखिए मैं यहाँ से हम एक साइड में मोड़ लूँगी और इसी से हमारी पूरी नेक की एक साइड की स्टिच पूरी करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए अब हम इधर से भी सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड से भी। ये बिल्कुल हमें आराम आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल एक अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। अब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ लाते हुए इसको ऑफ कर देंगे। हम सारा एक्स्ट्रा कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे यहाँ पर मार्जिन रखते हुए। अब हम सारे पर जहाँ पर भी गुलाई है वहाँ पर कट करेंगे। जहाँ पर भी तिकोना है वहाँ पर भी एक छोटा छोटा सेंटर कटर साइड कट लगा देंगे।
अब हम नेक को फोल्ड कर लेंगे। इसे हम किसी चीज़ से फोल्ड करेंगे, आप चाहे तो बड़ी सुई से भी फोल्ड कर निकाल सकते हैं। मैं छोटे पेचकस से निकाल लूँगी इसको, बाहर की तरफ इसके किनारे हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम इस पर बड़ी स्टिच देंगे, कच्ची स्टिच देंगे और पूरे नेक पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से लगा ली है। अब हम अपनी गोटा पट्टी लेंगे। देखिए हम गोटा पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए, देखिए ये छोटी पतली गोटा पट्टी, हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और ऐसे किनारे पर ऐसे लगाते जाएंगे धीरे धीरे से। देखिए हाँ जी, सारे किनारे पर हम इसी तरह नेक पर अटैच कर देंगे। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे, तो इसके साइड में एक और हम ऐसे ही गोटा पट्टी लगाएंगे। देखिए हमें बिल्कुल आराम से लगाना है इसको। मैंने ये बीच से फोल्ड कर लिया, बहुत आसानी से ये लग रही है। जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे मशीन चलाऊँगी और ये आराम से राउंड में चली जाएगी। जहाँ पे हमें रोकना है वहाँ पे हमें रोक के और ऐसे साइड में कर लूँगी, जिससे ये बिल्कुल आसानी से साइड में भी सिलाई लग जाएगी। और इसी तरह हम अपने नेक पर डबल गोटा पट्टी लगाकर अपने नेक को फिनिशिंग देंगे। देखिए ये बहुत ही इजी है और ये इस शर्ट पर भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। सिंपल है, सोबर है और अच्छा भी है। देखिए मैं इसी तरह से इसको पूरे को फिनिश करूँगी। देखिए राउंड में आ गया, राउंड में वही हम आराम आराम से मशीन चलाएंगे। और इसमें ना हमारे ज़्यादा पैसे लगे, बहुत ही कम खर्च में, मेरे ख्याल में पूरे 5 रुपए की भी हमारी गोटा पट्टी यूज़ नहीं हुई, उसमें से भी बच गई है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ना ही हमारे ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। अब जो हम ये लगाएंगे, तो अब देखिए हम इन पर छोटे छोटे हमारी जो ये कट पीस बचे हैं, हम उस पर भी ऐसे ही सीधी सीधी गोटा पट्टी लगा लेंगे और हम वैसे ही पतली करके ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। ये देखिए मैंने एक लगा दी है, अब हम यहाँ पे मैं दूसरी लगा दूँगी। दोनों हिस्सों पे मैंने गोटा पट्टी लगा ली है। देखिए इसका कुछ लुक कुछ इस तरह आया है। अब हम इसे नेक पर लगाएंगे, जहाँ से हमने इसको कट किया था वहीं पे हमें इसको अटैच करना है। और ये छोटे वाले पार्ट को भी मैं इसे सेट करके लगा दूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, इसमें पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और यहाँ पे देखिए डबल स्टिच करके हमारा नेक रेडी हो जाएगा। यहाँ बीच का है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा सिलाई के साथ पक्का कर देंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस से बच के रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू।